नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। चुनावी मौसम है और हलचल काफी तेज हो गई है। कहीं समीकरण बदल रहे हैं तो कहीं बिगड़ रहे हैं। अब इन सब के बीच में जातीय गोलबंदी भी जोर शोर से शुरू हो गई है। इस मुद्दे को आगे लेकर के जाएंगे, आगे चर्चा करेंगे इसके ऊपर, लेकिन उससे पहले एक विशेष जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस चुनाव की विशेष कवरेज यूपी तक शुरू कर रहा है यूपी किसका। यूपी किसका में चुनाव से जुड़े हर एक अपडेट, एनालिसिस, एक्सक्लूसिव जानकारियां आपको मिलेगी और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर यूपी किसका। लौटते हैं अब अपने मुद्दे पर। मल्लाह जातियों को एकजुट करने के लिए कई सारी पार्टियों ने मिलकर जलवंशी मोर्चे का गठन किया है। इस मोर्चे का एजेंडा है कि वो निषाद जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कर दे और साथ ही साथ अगले साल यूपी में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, ये मोर्चा उस चुनाव में भी पूरे के पूरे 403 सीटों पर लड़ती नजर आएगी। बिल्कुल, हम लोग 403 सीटों पे मजबूती के साथ, हमारी जो जलवंशी मोर्चा है, जो हमारे समाज के सभी पार्टियां हैं एक साथ आई हैं, समाज की काफ़ी संगठन हमारे साथ आए हैं, वो हम सब मिलकर पूरे मजबूती के साथ हम लोग एक 403 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। जलवंशी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेंद्र निषाद ने पीसी की, जिसमें उन्होंने ये बात रखी कि यूपी में जलवंशी निषाद जाति जैसे मल्लाह, केवट, धीवर, बिंद, कश्यप इत्यादि की जनसंख्या करीब 18% है और 2022 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में जलवंशियों का वोट काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ मोर्चे ने केंद्र सरकार से निषाद जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग करते हुए कहा कि अगर सरकार उनकी मांग को पूरा नहीं करती है तो 15 नवंबर से यमुना एक्सप्रेसवे पर अनिश्चितकालीन जाम किया जाएगा। पीसी में मोर्चे की तरफ से ये भी कहा गया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार तमाम योजनाएं लेकर के आती है मछुआरों के लिए, लेकिन ये योजनाएं मछुआरों तक पहुंच नहीं पाते हैं। कुछ गैर जलवंशी हैं जो कि इनका लाभ उठा लेते हैं, ये दावा करते हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार से लाभकारी योजना मल्लाहों के लिए आता है लेकिन नहीं मिल पाता है, बिचौलिया खा जाता है। जैसे आपको मछुआरों के लिए आवास योजना आता है लेकिन वह भी नहीं मिल पाता है। उसके बाद हम प्रत्येक जो गरीब मल्लाह है उसके लिए 5 डिसमिल जमीन मांगते हैं। उसके बाद जितना लाभकारी योजना है उसको मल्लाहों के मिलना चाहिए, वो गैर मछुआरा इसका लाभ ले लेता है। इसलिए हम इसमें जो गैर मछुआरा है उसको हटाने के भी मांग करते हैं और हम लोग सब आदमी मिलकर जोरों से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। राज्य मत्स्य जीवी सहयोग समिति से गैर जलवंशियों को निलंबित करने की मांग और मछुआरा आवास के लिए पूर्ण अनुदान तथा मछुआरा क्रेडिट कार्ड, भूमिहीन मछुआरों के लिए 5 डिसमिल जमीन, मछुआरों को तालाब खुदवाने के लिए 100% अनुदान, राज्य मछुआरा आयोग का जल्द से जल्द गठन, सभी जिलों में निषाद गोताखोरी की बहाली होनी चाहिए। तो ये तमाम मांगे हैं जो कि इस मोर्चे ने केंद्र सरकार के सामने रखी है और कहीं ना कहीं मोर्चे ने ये बात साफ कर दी है कि अगर सरकार इस बात की सुनवाई नहीं करती है तो 15 नवंबर से यमुना एक्सप्रेसवे पर अनिश्चितकालीन जाम लगा दिया जाएगा। तो ये खुली चुनौती एक तरह से मोर्चे की तरफ से सरकार को दी गई है। अब खैर, जो भी हो, इस बात की जानकारी आप तक जरूर पहुंच जाएगी। तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको यूपी तक जरूर देखना है और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करना है। नमस्कार।